जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे 5 सिक्के के जादुई उपाय की। आज बात करेंगे रसोई घर में महिलाएं ऐसा क्या उपाय करें कि उनका घर धन धान्य से भर जाए, परेशानियों से मुक्त हो जाए। आज की वीडियो में यही 5 सिक्कों का एक दुर्लभ और जबरदस्त उपाय लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ 5 सिक्कों के जादुई उपाय की। देखिए, हमारा जीवन अनेकों परेशानियां, जीवन है तो उसमें आएंगी आएंगी, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन कभी कभी आकर एकदम चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी आकर ठहर जाते हैं। जब आकर ठहर जाते हैं तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। महिलाएं निराश कब होती हैं? महिलाएं दुखों से नहीं घबराती हैं, महिलाएं परेशानियों से नहीं घबराती हैं, धैर्य रखती हैं, लेकिन महिलाएं तब टूट जाती हैं जब उनके घर की बरकत खत्म हो जाती है, जब उनके हाथ में धन नहीं आता है, जब उन्हें धन अभाव होने लगता है और वो गृहस्थी नहीं चला पाती हैं, तब वो टूट जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो आज एक 5 सिक्कों का जादुई उपाय मैं लेकर आई हूँ, आप अपनी घर की रसोई में कर सकते हैं और 5 शुक्रवार आपको ये उपाय करना होगा। आपको अंतर एक शुक्रवार के बाद ही दिखाई देने लगेगा, लेकिन आप 5 शुक्रवार करिएगा लगातार, पीरियड में, सूतक में, पातक में, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। इसलिए महिलाएं आसानी से भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपको लगे कि हमारे जो जिन समस्याओं के निहित हमने ये कार्य प्रारंभ किया था, वो समस्या शनै शनै हमारी दूर होती चली जा रही है, कष्ट दूर होते चले जा रहे हैं, धन की आवक हो रही है, घर में बरकत हो रही है, घर में खुशहाली आ रही है, घर में प्रेम हो रहा है, घर से लड़ाई झगड़े समाप्त हो रहे हैं, घर से बीमारी दूर हो रही है, घर से कर्जा खत्म हो रहा है, तो फिर आप इसको महीने में एक बार कर लीजिए। अब करना क्या है ये बताती हूँ। आपकी अपनी घर की रसोई होनी चाहिए, आप होने चाहिए, ठीक है? आपने प्रारंभ किया और किसी वजह से कोई बीच में 5 शुक्रवार के बीच में आप नहीं कर पा रही हैं, तो आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। सिक्के आपको लेने हैं या तो 1 का या 2 का या 5 का या 10 का, जित जो आपकी सामर्थ्य हो, ठीक है? 1 रुपए का सिक्का लीजिए, 2 का लीजिए, 5 का लीजिए, 10 का लीजिए, 5 सिक्के लेने हैं, कोई भी ले लीजिएगा। आप अपनी किचन को रात को साफ तो करके सोती ही होंगी ना, तो आप अपने रात को जब आप किचन क्लीन कर दें, आपका तवा जिस पे आप खाना बनाते हो, वो तवा आपने क्लीन कर लिया कि रसोई आपने क्लीन कर ली, चुपचाप इस कार्य को करना है, कोई आपको करते हुए देखे ना, चाहे रात के 9 बजे या 10 बजे। अब आप ये बोलेंगे कि हमारे घर में तो रात को खाना 12 बजे बनता है, तो इसका क्या इलाज है? रात के 12 बजे खाना बनता है तो आप 1 बजे कर लो, किचन साफ करके, तवा साफ करके, हाथ मुंह धो लीजिएगा। जब क्लीन कर दें तवा और किचन, तो हाथ मुंह धोकर, कुल्ला कर माता लक्ष्मी का मन ही मन स्मरण करते हुए आप अपनी रसोई में जाइएगा। जो साफ किया हुआ तवा है वो गैस के ऊपर रख दीजिएगा, बर्नर ऑन कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आपके घर में चूल्हा इस्तेमाल होता है या स्टोव इस्तेमाल होता है, उसके साथ भी यही प्रक्रिया करेंगे। स्टोव को अच्छे से साफ कर लेंगे, तवा को साफ कर लेंगे और उसके ऊपर तवा रख के फिर आप ये करेंगे। तो आपने सबसे पहले 1 रुपए का, जैसे आपने 1 सिक्का लिया, जब वो तवा गर्म हो जाएगा, गैस का बर्नर जलता रहना चाहिए, तवा उस पे गर्म होते रहना चाहिए। मैं एक मंत्र अभी आपको बताऊंगी, पहले प्रक्रिया बता दूं। 1 सिक्का आपने रखा, फिर मंत्र बोला, फिर दूसरा सिक्का रखा, फिर मंत्र बोला, तीसरा सिक्का रखा, फिर मंत्र बोला, चौथा सिक्का रखा, फिर मंत्र बोला, पांचवा सिक्का रखा, फिर मंत्र बोला। जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ वो आपको मंत्र बोलना है। उसके बाद आपको फिर जब 5 सिक्के आप रख देंगे, आपको गैस को बंद कर देना है। वो तवा और सिक्का, गैस, तवा जो है वो गैस के ऊपर ही रखा रहेगा। जब तवा और सिक्के ठंडे हो जाए तो पुनः फिर वो 1 सिक्का उठा लेना, उसी मंत्र के साथ जो मंत्र आपने बोला है, किसी कागज पर ले लीजिएगा, सफेद रंग का कागज होगा आपके घर में, उस कागज पर ले लीजिएगा 1 सिक्का 1 मंत्र के साथ। दूसरा, 5 सिक्के उठाते वक्त भी आपको वही मंत्र बोलना है जो मैं भी आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद आपने उनकी एक पुड़िया टाइप बना लेनी है, कागज में होगा तो बांध लीजिए। आप वो व्यक्ति जो घर का मुखिया है, वो व्यक्ति जो घर में धन कमाने के लिए जाता है, जो धन लेकर आता है, उस व्यक्ति के सिराने, अथवा जो व्यक्ति बहुत बीमार है उसके सिराने, अथवा जिस व्यक्ति के सिर पर बहुत कर्जा है उसके सिराने, अथवा जो व्यक्ति बीमारी से, हारी से परेशान है, बार बार दुर्घटनाओं से परेशान है उसके सिराने, या फिर जो व्यक्ति घर में बहुत लड़ाई झगड़ा करता है उसके सिराने, आपको वो पुड़िया किसी व्यक्ति के सिराने रख देनी है, उसी में से किसी के। और आपको लगता है हम नहीं रख पाएंगे तो कोई बात नहीं, उस पुड़िया को आप अपने घर के मंदिर में रख सकती हैं। पीरियड सूतक पातक होगा तो मंदिर में नहीं रखेंगे, वैसे रख सकते हैं, नहीं तो उस पुड़िया को आप अपने किसी पर्स में या किसी ऐसे स्थान पर, अपनी अलमीरा वगैरह में रख दीजिए। मतलब कहने का है कि आप जो आपके घर का ओहरा है,
जो आपके परिवार का हो रहा है वो उसके अंदर आना चाहिए, कहने का मतलब मेरा है, और ओपन में नहीं रखना है, क्योंकि कार्य करना भी चुपचाप है, कोई आपको देखे ना। वो पुड़िया संभाल के आप अपनी अलमारी में, अपने पर्स में, किसी बटुए में, किसी में भी आप रख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक बात? मंत्र अभी बताऊंगी, लेकिन मैं पहले पूरा प्रोसीजर बता दूं कि आपने करना क्या है, क्योंकि फिर वो ही बात जो मैं वीडियो में बता चुकी होती हूँ, वही बात आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो। कभी कभी पूरे दिन आंसर नहीं कर पाती, रात को आंसर करती हूँ, दिन निकल जाता है। या तो वीडियो दोबारा से देख लिया करो, या वीडियो को ध्यान से सुन लिया करो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 5 सिक्के एक 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 मंत्र बोलकर रखने हैं, एक एक करके, और 5 ही सिक्के ठंडा होने पर, गर्म गर्म मत उठा लेना, ठंडा होने पर एक एक सिक्का करके मंत्र बोलने के साथ उठा लेने हैं। कागज में पुड़िया बांध देनी है, या तो सिरहाने, सभी सुविधा हो तो सिरहाने रख दो, नहीं तो अपने किसी पर्स में रख दो, अपने कपड़ों में रख लो, कहीं भी आप उसको रख लेना है। प्रातः काल उठ के नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, और उन पैसों से, अगर आपने 10-10 के 5 सिक्के रखे हैं तो 50 रुपए हो गए, आप मिठाई खरीद सकते हैं। आपने 5-5 के रखे तो 25 रुपए हो गए, उसमें भी आप 2-4 लड्डू खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2-2 के 1-1 के सिक्के रखे हैं तो फिर आप मिठाई तो नहीं खरीद पाएंगे, आप बिस्किट खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो आपने जो भी आपकी सामर्थ्य है, देखिए इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं कि आपको 10 का ही रखना है या कुछ, रखने सिक्के ही हैं, ठीक है, और रखने सिर्फ 5 ही हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपकी सुविधा बने, जैसे भी आपकी सुविधा बने वैसे ले लीजिएगा। मिठाई की सुविधा बने मिठाई ले लीजिएगा, नहीं तो मीठे बिस्किट ले लीजिएगा। ठीक है, और वो आप बच्चों में वितरित करिए, उन बच्चों, अपने घर के बच्चों में नहीं, अपने पड़ोस के बच्चों में नहीं, उन बच्चों में वितरित करिए जिन बच्चों को बिस्किट की आवश्यकता है या मिठाई की आवश्यकता है, यानी कि जो बच्चे अक्षम हैं इन चीजों को खरीदने में और प्रतिदिन उनका सेवन करने में। बहुत जगह ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, आप वो जाकर शुक्रवार में पहले से एक स्थान तलाश के रखिए कि मुझे कहाँ पर ये बांट कराना है। कुछ भी बच्चे मिले उनको, 2-4-5 बच्चों को, जितना आपके पास सामान है वो आप देकर आ जाइए। 5 शुक्रवार आप लगातार ये करिएगा। जब आप 5 शुक्रवार लगातार इसको करते चले जाएंगे, महालक्ष्मी के मंत्र को जपते चले जाएंगे, तो आपके घर से सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी, आपके धन के आगमन के मार्ग बनते चले जाएंगे, व्यापार चलता चला जाएगा, नौकरी प्रमोशन मिलती चली जाएगी, आपके घर में बरकत बढ़ती चली जाएगी, आपके घर से परेशानी दूर होती चली जाएगी। ना जादुई उपाय, बस चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो ईश्वर की कृपा से समर्थ हूँ, संपन्न हूँ, लेकिन मेरा कोई मित्र, मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई रिश्तेदार शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी कमजोर है, उसके पास धन का अभाव है, तो ये वीडियो चाहे उसे शेयर कर देना कि देखो शायद मुझे अच्छी लगी, शायद तुम्हारे काम आ जाए। वीडियो शेयर कर देना, लेकिन ये नहीं शेयर करना कि मैंने ये उपाय किया है, या ये उपाय करके मैं धनवान बन गई हूँ, या मैं बन गया हूँ, या ये उपाय करके मेरे घर में सुख और समृद्धि आई है। आप केवल वीडियो शेयर करिए और बताइए मुझे अच्छी लगी, आप सुन के देखो, क्या पता आपका भला हो जाए। इस तरह से करना, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं देखिए जो चुपचाप किए जाते हैं, और महालक्ष्मी के जो उपाय होते हैं वो तो हमेशा ही गुपचुप करने चाहिए, गुप्त रूप से करने चाहिए। माता लक्ष्मी तो चलायमान है, जरा भी कहते हैं ना लक्ष्मी को बड़ा दाब ढक के रखा जाता है, दिखाया नहीं जाता, पर्स भी सबसे हमने खोला नहीं जाता, पॉकेट से भी सारे पैसे सबके सामने निकाले नहीं जाते हैं, कहते हैं ना क्यों, लक्ष्मी को छुपा के रखते हैं, किसी की दृष्टि पड़ती है लक्ष्मी चल देती है उनके साथ। जैसे बांके बिहारी जी का मंदिर आपने देखा होगा ना, वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर, वो अपने जहां उनका विग्रह उसे एक कदम आगे है, नजर भर के देखा किसी ने और उनके साथ चल दिए, तो इसलिए उनका पर्दा गिरता पड़ता रहता है, डायरेक्ट बहुत समय उनको देखने किसी को नहीं दिया जाता है। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, किसी ने बड़े प्रेम से देख लिया उनके साथ चल देंगी माता लक्ष्मी, समझ रहे हैं ना। तो अपनी चीजों को संभाल के रखना होता है, चुपचाप रखना होता है, और उपाय तो चुपचाप करें, श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ करें। ये ना सोचे 5 सिक्के का उपाय करने से क्या, 5 सिक्के का उपाय करने से ही तो 5 लाख मिलेंगे, 5 सिक्के का उपाय करने से ही तो 50 लाख मिलेंगे, 5 सिक्के का उपाय करने से ही तो 5 करोड़ मिलेंगे, क्योंकि वो संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो बाधाएं दूर हो जाएंगी जो आपके धन आगमन के मार्ग में बन रही थी, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो इसलिए इस कार्य को चुपचाप कर लीजिए। अब मंत्र बताती हूँ, इसलिए मैंने अंत के लिए मंत्र रखा था, जिससे कि आप आराम से उस मंत्र को सुने, धीरे धीरे बोलूंगी, और फिर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम लक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम श्रीम 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 क्लीम लक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 5 सिक्के रखते बार भी और 5 सिक्के उठाते बार भी,
इस तरह से 10 बार आप इस मंत्र को बोलेंगे और पूरे विश्वास के साथ करेंगे, आप ये देखिएगा कि सिद्ध उपाय है, अचूक उपाय है, निश्चित काम करता, 100% रिजल्ट देता है ये उपाय। कर कर देखिए, फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपने जिस भी भावना को लेकर, जिस भी मनोकामना को लेकर, जिस भी परेशानी को लेकर इस उपाय को किया है, वो परेशानी आपकी दूर हुई के लिए मेरा विश्वास है जरूर दूर होगी। आप भी विश्वास के साथ करिए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूँ वी कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चैनल ज्ञान सार। और आज की वीडियो में आपने जाना कि 5 सिक्कों का गुप्त उपाय हम किस प्रकार अपने घर की रसोई में चुपचाप तवे पर करें कि हमारे घर के सारे संकट दूर हो जाए और धन और लक्ष्मी टूट कर बरसे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नमः लिखना बिल्कुल मत। ईश्वर आपके